तो भारत में इंटरनेट की कीमत सबसे कम है। भारत में 5G पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बात की जो है वो जानकारी दी है। देश में स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। साफ तौर पर आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान संबोधित करते वक्त इस बात की जो जानकारी दी है कि पूरे भारत में देश में इंटरनेट की कीमत सबसे कम है। 5G पर तेजी से काम चल रहा है और देश में स्मार्टफोन की कीमत भी पूरे दुनिया भर में सबसे कम है। सुनिए। मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। भारत 5G मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिससे अनेक नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। भारत के युवाओं को तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, इसके लिए भी सरकार ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। कई नए सेक्टरों में प्रवेश के द्वार खोले। सरकार ने स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से पेटेंट और ट्रेडमार्क से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, उन्हें नई गति दी है। इसी का परिणाम है कि इस वित्त वर्ष में पेटेंट के लिए लगभग 6,000 और ट्रेडमार्क के लिए 20,000 से ज़्यादा आवेदन किए गए हैं।